जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा मौका पाकर फरार, तो वही फरार अपराधी की तलाश में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए गौ तस्कर के कब्जे से एक सेंट्रो कार और करीब 50 किलो गोमांस व अवैध असल सहित कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना सिंभावली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू है। सेंट्रो कार में ले जाया जा रहा था गोमांस। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोमांस तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 23/9/2020 को थाना सिंभावली का पुलिस रात्रि चेकिंग व गश्त हेतु रवाना थी। तभी समय करीब सुबह का 3:50 हुए थे। रतुपुरा के जंगलों से गुजर रहे थे, तभी 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वो नहीं रुके और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में अपने बचाव में पुलिस पार्टी ने भी फायर किए, जिसमें एक व्यक्ति जाने आलम सनाफ रियाजुल ग्राम रतुपुरा घायल हो गया व 2 व्यक्ति शहजाद पुत्र शमसाद व रागिब पुत्र बाबा निवासी रतुपुरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अभियुक्तों के पास से 50 किलोग्राम गोमांस, एक सेंट्रो कार व 1 तमंचा मैं कारतूस बरामद हुआ है। फरार गो तस्करों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई, प्रयास किए जा रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। NBC न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।